पे फ्यूल सरचार्ज की बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बिजली के दाम नहीं बढ़ाने का वादा किया था। उन्होंने महंगाई राहत कैंप पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने इसी बजट में पेंशन वृद्धि, बिजली छूट समेत अन्य घोषणाएं कर दी थी, तो अब राहत कैंप क्यों लगाए जा रहे हैं। साढ़े चार वर्ष पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम महंगाई को कम करेंगे, समाप्त करेंगे। साढ़े चार वर्ष तक कोई इस दिशा में कोई काम नहीं किया, सिर्फ कुर्सी को बजाने का काम किया। अब जिन्होंने कैंप लगाकर ये काम शुरू किया है, एक तरफ आप राहत देने का ढोंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप बिजली के सरचार्ज बढ़ा रहे हैं और एक नहीं 9,000 से ज़्यादा बिजली के दामों में वृद्धि कर दी। आपने मैनिफेस्टो में कहा कि 5 वर्ष में 1 पैसा भी पर यूनिट का दाम नहीं बढ़ाएंगे, तो कहां गया आपका घोषणा पत्र। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे आज प्रतापगढ़ जिले के दौरे पर रही। जिले के शौली हनुमान जी से दर्शन कर हेलीकॉप्टर द्वारा राजे दोपहर 2 बजे प्रतापगढ़ पहुंची। इसके पश्चात राजे पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा के अंबा माता स्थित आवास पर गई। यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजे का पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। इस दौरान नंदलाल मीणा के साथ राजे ने राजनीतिक मंत्रणा भी की। पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा के आवास पर तपती दोपहरी में सैकड़ों की संख्या में मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वसुंधरा राजे ने कहा कि जनता अपनी है, अपना परिवार है, इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए। हमने जनता से लेना नहीं देना सीखा है। हमने ये सोचा कि नहीं, हम तो जनता को मना सकते हैं कि वो देखेंगे कि अपन अच्छा काम कर रहे हैं तो अपने साथ खड़ा हो जाएंगे। हमने एक दफा ट्राई किया, फिर वही सरकार आई, दूसरी दफा ट्राई किया, वही सरकार आ गई। भैया तुम हमको भी आदत मत डाल दो कि अगले समय में जब हमारा सरकार आएगी तो हम भी आराम में पड़ेंगे। नुकसान किसका होगा, किसका होगा।